भारत एक प्राचीन देश है और इस देश का नाम कृषि युग से पूर्व अजना वर्ष कहा जाता था, उसके पश्चात इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। जो भारतवर्ष नाम पड़ा भरत के नाम से, वो वृषभदेव का पुत्र था, प्रजापति वृषभदेव। प्रजापति वृषभदेव जब लोग अभी कृषि करना प्रारंभ कर रहे थे, उस समय वृषभदेव तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, अहिंसा का उपदेश देश के कोने कोने में दे रहे थे। भारत में सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म है। इसके सारे इतिहास, पुराण आदि ग्रंथों में उल्लेख है। वृषभदेव तीर्थंकर ने अपना जो उपदेश है वो प्राकृत भाषा में दे दिया। भारत देश के अंदर दो ही मुख्य प्रमुख भाषाएं रही, एक संस्कृत और एक प्राकृत। ये दोनों स्वतंत्र भाषाएं हैं। प्राकृत भाषा अत्यंत कोमल और आम जनता के समझ में आने वाली भाषा, उसी से अपभ्रंश हिंदी जो आज राष्ट्रभाषा कही जाती। महानुभाव वृषभदेव तीर्थंकर के मोहनजोदड़ो में अनेक शील और चिन्ह मिले हुए हैं, जो इतिहासकारों ने उसके अपने इतिहास की किताबों में उल्लेख किए। बहुत लोगों की भावना रही कि देश के अध्यात्मवादी लोगों के लिए मैं कुछ अच्छी बातें बोलूं। जैन धर्म ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सूत्र बहुत प्राचीन है और इसी सूत्र के आधार पर सारे जैन आचार्यों ने धर्म, दर्शन और अध्यात्म ग्रंथों की रचना करते। महानुभाव पर कुंदकुंद आचार्य ने जो समय सार की रचना प्राकृत भाषा में की, उसमें उन्होंने एक नई बात कही, जह नाम कोई पुरुष हो रायाणम जाने गुण शब्द हरी। वे कहते हैं प्रथम ज्ञान, ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान के बाद श्रद्धा, श्रद्धा के बाद चरित्र। ज्ञान की जरूरत क्या हो, देखो कोई सोना खरीदने जा रहा हो, धोखा खाएगा यदि ज्ञान नहीं तो पीतल कोई बता सोना बताकर बेच दे। संसार में हो या व्यवहार में हो, अध्यात्म सब में प्रथम ज्ञान की आवश्यकता है। तो जैन अध्यात्म शास्त्र में अन्वीक्षिक की विद्या, तर्क विद्या, किसी बात को स्वीकार करना है तर्क से स्वीकार करो, अंधश्रद्धा से नहीं। जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है और इस धर्म में षट द्रव्यों की चर्चा समस्त आगम ग्रंथों में है और उन आगमों में जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव को प्रधानता दे दी, जीव उसको कहते जो जीवित था, जीवित है और आगे भी जीवित है। चेतना लक्षणो जीवा, जिसमें चैतन्य लक्षण है, ज्ञान और दर्शन दो गुण है, उसको जीव कहा। ठसाठस पृथ्वी मंडल पर छोटे कृमि कीटक से लेके हाथी तक बड़े बड़े अजस्र प्राणी भरे हुए हैं, वो सब जीव कहलाते हैं। उनमें एकेंद्री, द्विंद्री, तीनद्री, चतुर्द्री, पंचेंद्री, संयोग और असंयोग,
संगी उसको कहते हैं जो शिक्षा ग्रहण कर सके, और असंगी उसको कहते हैं जिसको मन नहीं है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। महानुभाव, जीव इस तत्व को जैन शास्त्र में जानना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं, मेरा आत्मा का स्वभाव क्या है, जन्म से पूर्व में कहां था, मरने के बाद मैं कहां चला जाऊं, इत्यादि बातों के मनन चिंतन के साथ अध्यात्म तत्व ज्ञान के माध्यम से ग्रहण करना जरूरी। जैन आचार्य ने लाखों ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचनाएं की है। धवला जैसे 2,00,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ है जो प्राकृत और संस्कृत से मिश्रित है, उसमें अनेक तत्वज्ञानों की चर्चा है। जैन धर्म विचार में अनेकांत, आचार में अहिंसा, वाणी में शाद्वाद और समाज में अपरिग्रह, इन्हीं चारों स्तंभों पर सर्वोदय तीर्थ जिसको भगवान महावीर ने कहा, इस स्तंभ पर जैन धर्म है। विचार में अनेकांत, आप देखिए विशाल विश्व के अंदर हम जितने भी पदार्थ देखते हैं अनंतानंद पदार्थ है, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, वो अनेकांत से ही समझ सकते हैं। और अनेकांत एक ऐसा सिद्धांत है सारे समस्याओं का हल करने के लिए मदद मिलती है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए शाद्वाद कहा। शाद्वाद एक सापेक्षवाद है जो जैन दर्शन ने प्रारंभ से ही अपने शास्त्रों में इसकी खूब चर्चा की है। किसी भी बात को हम कहते हैं एक बात तो उसे प्रतिपक्ष सामने खड़ा हो गया। जैसे अभी हमने दिन कहा तो रात है, पुरुष है तो स्त्री है, सत्य है तो असत्य है, धर्म है तो अधर्म है, पुण्य है तो पाप है, 2 परस्पर विरोधी तत्व अनादि से है और रहेंगे। हिंसा है तो अहिंसा है, पाप है तो पुण्य है। इस तरह से 2 पदार्थ परस्पर विरोधी है, अमृत है तो जहर है। इस तरह से किसी भी एक पदार्थ का नाम लेते दूसरे पक्ष उसके सामने आ जाता है। जैन आचार्य ने सत्य के अनेक पहलू बताए गए हैं। सत्य को जानना बहुत जरूरी है। देखिए आपको एक रूपक रूप में मैं सत्य की बात की चर्चा करता हूं। हमारे पास 2 ही ज्ञान है, एक मति ज्ञान एक श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सभी प्राणियों के पास है, चाहे चींटी हो हाथी हो। मति ज्ञान उसको कहते हैं जो शरीर को हवा लग जाए या हवा है, ये मति ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान उस हवा से हमारे शरीर को लगने के बाद सुख या दुख की अनुभूति होती है, उसको श्रुत ज्ञान का भाव श्रुत ज्ञान। महानुभाव चीटी है, उसे सामने चीनी या नमक रखो तो चीनी तो खावे नमक नहीं खाता, ये विवेक मध्य श्रुत ज्ञान से चीटी के पास भी है। इसी तरह से गधे के सामने आप तंबाकू और घास रखिए, वो घास तो खावे पर तंबाकू नहीं खाता, उसको विवेक है गधे के पास मध्य श्रुत ज्ञान के माध्यम से, ये मेरे खाने का नहीं है तंबाकू, वो सुनता तक नहीं। इस तरह से कहने का तात्पर्य, मनुष्य जब विवेक छोड़ने लगा उसको धर्मोपदेश की जरूरत पड़ी, इसलिए महान महान तीर्थंकर आचार्य विद्वान ये सब प्रबोध पाठ उन मनुष्यों को देते रहे, और आज भी मनुष्यों को अध्यात्म और तत्व ज्ञान की जरूरत है। मैंने बताया था जीव को जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद जो धर्म द्रव्य है जिसको हम एक पदार्थ दूसरे जगह में स्थान छोड़ने के लिए जो गमन के करने की शक्ति है उसको सहायक कोई है तो एक धर्म द्रव्य नाम का इस पृथ्वी में आकाश में ठसा कर भरा। अधर्म द्रव्य जो पदार्थ तो स्थिर है उनके लिए वो मदद करे। और आकाश तो सभी जानते ही हैं, आकाश अमूर्तिक है और उसी में काल द्रव्य जो परिवर्तनशील सारे संसार में पदार्थों के है वो मूल कारण काल द्रव्य। आप देखिए आम हरा रंग का है, कालांतर से पीला होता है, खट्टा है तो मीठा होता है। ये परिणमनशील जो होने की शक्ति है ये काल द्रव्य का प्रभाव। काल जबरदस्ती से परिवर्तन नहीं करता,
पर जो परिवर्तन होते हैं स्वभाव से उनको वो मदद करता है। आप देखिए संपूर्ण धर्म की परिभाषा जैन आचार्य ने दे दी, तत्व स्वभाव धर्म, जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। अग्नि का स्वभाव जलते रहना और उसके संपर्क में आने को जलाना, ये उसका स्वभाव है उष्णता, और जल का स्वभाव शीतल है। इस तरह से जितने भी संसार में पदार्थ वस्तु है वो स्वभाव को लिए हुई है, और स्वभाव को जानना हमें बहुत जरूरी है। अपने स्वभाव को कोई भी पदार्थ कभी नहीं छोड़ता है, जीव है अपने ज्ञान गुण चैतन्य गुण को कभी नहीं छोड़ता, चेतना लक्षणों जीवा उसका चेतना। इसीलिए आचार्यों ने मनुष्य को उपदेश देते समय ये बात कही, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, समुपसर्ग अंचु धातु के प्रत्यय से सम्यक शुक्र, उसका अर्थ है श्रद्धा। अंधश्रद्धा नहीं हो गया इसलिए उसके साथ सम्यक ज्ञान की बात की, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा करो, अज्ञान से श्रद्धा मत करो, धोखा खाओ। अंधी श्रद्धा जितनी सस्ती होती है उतनी वो जल्दी पति पाती नहीं, और ज्ञान और चारित्र ये परस्पर में एक दूसरे के अविनाभावी संबंध है। हम चारित्र पालन करें तो ज्ञान पूर्वक करें, अज्ञान पूर्वक किए हुए जो चारित्र है वो मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है, न मुक्ति का ही कारण बन सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये तीनों अलग अलग नहीं है। जैसे अग्नि में तीन गुण है, एक दाहकत्व गुण जलते रहना, फिर एक प्रकाश और एक प्रताप बोले तो उष्णता, उसमें ये तीनों अलग अलग नहीं है, अभेद है। इसी तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये अभेद है। समझाने के लिए, समझने के लिए इन तीन प्रकारों का कथन किया। महानुभाव साहित्यकारों ने सम्यक शब्दकार प्रशंसा करते हैं, और वेद में शोभन अर्थ पर जैन आचार्यों ने पारिभाषिक शब्द निश्चित करते हुए श्रद्धा, महानुभाव शब्दों का अर्थ समझना, जैसे हम लोग बोलते भगवान ऋषभदेव की जय, जय शब्द के तीन अर्थ है, सावधान हो जाओ, संकल्प करो और श्रद्धा रखो। श्रद्धा एक ऐसी चीज है, श्रद्धा एक आत्मा पर और एक परमात्मा पर, परमात्मा को उन्हें इसके जाने बिना अंधश्रद्धा से चाहिए जिसको हम परमात्मा नहीं समझ सकते। परमात्मा अनंत गुणों का भंडार है। वीतरागी खास तौर से, वीतराग का मतलब क्या है उसको भी आप लोगों को समझना बहुत आवश्यक है। वीतराग का अर्थ है जैसे दर्पण है, आईना है, आप सामने रखिए उसमें पहाड़ दिखाई दे रहा हो पर उसके बोझ से दर्पण टूटता नहीं, पहाड़ पर आग जल रही हो दर्पण में आग जलते हुए भी दिखाई देवे प्रतिबिंब पर दर्पण नहीं जलता, और आकाश से बारिश होते हुए जो जल तत्व दिखाई देता दर्पण में उसे गीला नहीं होता। मतलब कहने का दर्पण में ये सब चीजें दिखाई देती, विकार पैदा नहीं होता। तो भगवान है वीतराग सर्वज्ञ सर्वहितेशी, उसके ज्ञान में तीन लोक के सारे पदार्थ झलकते हुए भी उसे कोई विकार नहीं, वो वीतरागी है, हितोपदेशी। जो वीतराग की प्राप्ति के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं और वीतराग की प्राप्ति का उपाय कोई है तो सम्यक ज्ञान चारित्र में मोक्ष मार्ग। जैन आचार्य ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के उपदेश देते समय उसके एक स्पष्टीकरण देते हुए हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हताश अज्ञान अज्ञानी नाम किया, धावन कलांग को दग्धा पश्चन नतीजन। ज्ञान और चारित्र एक दूसरे का अविनाभावी संबंध है। कैसे संबंध अविनाभावी? जंगल में एक पंगू लगड़ा था बैठा हुआ, और एक सूरदास आंख नहीं जिसको दिखाई दे, अंधा था, ये दोनों जंगल में थे। अकस्मात जंगल में आग लग गई, आग लगने के बाद जो लगड़ा है वो देख रहा है
इस दिशा में आग आ रही, परंतु चल नहीं सकता, उसे बच नहीं सकता। और अंधा है, चल तो रहा है, पर किस दिशा में जाना है उस अग्नि से बचने के लिए वो ज्ञान नहीं है। इसलिए जैन आचार्य ने कहा, संयोग में भी बदंत तब ज्ञान हे के चक्रे तब प्रया अंधस्य पंगुष बने प्रविष्ट हो तम शत्रु नगर। उस वन से, उस जंगल से, आग से सुरक्षित गांव की तरफ आना है तो संयोग की जरूरत है। उस जो लगड़ा है वो सूरदास के कंधे पर बैठा और वो रास्ता दिखा रहा है और अंधा चल रहा है, इन दोनों के सहयोग से सुरक्षित नगर पहुंचे। इसी प्रकार से बिना ज्ञान के चरित्र और बिना चरित्र के ज्ञान, दोनों काट के तलवार जैसे। कहा जैन आचार्य ने चरित्र को बहुत महत्व दे दिया है, इसीलिए आज विशाल विश्व के अंदर अहिंसा का उपदेश देना चाहिए। अहिंसा एक स्वभाव है आत्मा का, अत्ता चैव अहिंसा, ऐसे कोई प्राणी नहीं जो अहिंसा का कथमचित क्वचित कदाचित पालन नहीं करता। शेर भी है, अपने बच्चों को मारने नहीं देता, अपने परिवार को पालते रहता, सुरक्षित स्थान में ले जाता है। इस तरह से अहिंसा एक आत्मा का स्वभाव है। धर्म क्या चीज है, एक महान प्रश्न है। अनेक लोग धर्मों की अनेक परिभाषाएं करते हैं, पर जैन आचार्य ने जीवन में अपने जीवन को धर्ममय बनाने के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आदर्श नागरिक बनाने के लिए, आदर्श धार्मिक बनने के लिए एक बहुत बड़ी बात कही कि धर्म क्या चीज है। बहुत सुंदर जय धौला के अंदर और प्रतिकरण में हम साधु लोग प्रतिनिधि पढ़ते, उसमें धम्मो मंगल मुक्तम अहिंसा संयमो तो देवावितम प्रणमंती जस धम्मे सयामनो। धर्म उत्कृष्ट है और मंगल में, जो मनुष्य के जीवन 24 घंटे अमंगल में बिताता है, खाना पीना संसार की चीजें करना, परंतु धर्म के कारण उसका जीवन मंगल में होता। ज्ञानमय बातों को आत्मसात करने के लिए शिववाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि शिववाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।